सावन का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन ना तो पवन शोर कर रहा है और ना ही बादल पानी देने को तैयार। बड़ी आस से अन्नदाता की आंखें आसमान पर टिकी हैं। नदियां, तालाब, कुएं पानी की बूंदों को सहजने के लिए बेकरार। तपिश से लोग हलाकान मेघ की मेहरबानी के लिए तरस रहे हैं। क्या करते, बिगड़ते हालात को देख अब टोने टोटकों का सहारा लेने पर मजबूर हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा मध्य प्रदेश के सिवनी में, जहां बारिश की मुराद लेकर मेंढक और मेंढकी की शादी ही कर दी गई। मछली का व्यवसाय पर निर्भर रहने वाले ढीमर समाज ने एक दिन का व्यापार स्थगित किया और ये संपूर्ण अनुष्ठान किया। इंद्रदेव को मनाने के लिए नगर में मेंढक और मेंढकी की बड़े ही धूमधाम से बारात निकाली गई। बाकायदा शादी की रस्में भी निभाई गई। मान्यता है कि यदि मेंढक और मेंढकी की शादी कराई जाए तो साहब इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश की सौगात देते हैं। इस अनुष्ठान को देखने के लिए नगर के लोग उमड़ पड़े। थोड़ा अलग दृश्य थे। कुछ छोटे बच्चों को नग्न अवस्था में लकड़ी से बने मूसल को पकड़ाया गया था, जिस पर मेंढक को रस्सी के सहारे बांध दिया गया था। फिर निकली साहब धूमधाम से बारात। बारातियों के जुबान पर था, मेंढक रानी पानी दे, धान को पकन दे। बारात शहर के कई हिस्सों से गुजरती हुई मठ मंदिर में समाप्त हुई और विधिवत अनुष्ठान किया गया, यानी कि मेंढक की मेंढकी से शादी करवा ही दी गई। क्या करें साहब, जब प्रकृति नाराज हो तो जाने अनजाने वो सब कुछ करना शुरू हो जाता है जो पढ़े लिखे समाज में उफ शायद मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कहा जाता है कि आस्था और विश्वास कभी कभी वो परिणाम देते हैं जिसकी कल्पना भी ना की हो।